everyone, welcome to Study Miles with SS. So last class में हम लोगों ने previous year questions की series start की थी. Okay, already teaching aptitude की मैंने तीन डाल दिए, तीन parts मैंने उसके डाल दिए हैं और communication का एक part डाल दिया है. This is the second part of communication, previous year questions, जिसमें we'll discuss December 2006 के questions, June 2007 के and दिसंबर 2007 के. ओके, और इसकी जो पीडीएफ है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके एक्सेस कर लेना, ठीक है. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. ओके, सो शुरू करते हैं. पहला हमारा दिसंबर 2006 के क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन. इनमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है, या हम इनमें से किसको कहेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन है. वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग ने पढ़ा था, जो ओरली जो हम कम्युनिकेट करते हैं बोल के, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन. एंड इसी का ठीक ऑपोजिट होता है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन विच वी यूजेस जेस्चर्स और जो हम इशारों के थ्रू जो हम बात करते हैं, ठीक है, दैट इज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो इसमें पूछ रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा है. सो पढ़ते, ऑप्शन फर्स्ट है, प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड द लेक्चर इन द क्लासरूम. सेकंड, सिग्नल एट द क्रॉस रोड चेंज्ड फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज. थर्ड, द चाइल्ड वॉज क्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मदर. फोर्थ, दीपक रोट अ लेटर फॉर लीव एप्लीकेशन. सी, एक चीज़ आप देखोगे कि इसमें से तीन ऑप्शंस जो हैं वो नॉन वर्बल की तरह इशारा कर रहे हैं, ठीक है. क्या है, सिग्नल. सिग्नल क्या, एक तरह का इशारा हमको मिल रहा है कि हाँ, अगर सिग्नल ग्रीन होगा तो हम रोड चेंज करेंगे, ठीक है. सेकेंड है, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा इसलिए रो रहा है ताकि वो माँ का अटेंशन ग्रैब कर सके. और लास्ट है, दीपक रोट अ लेटर फॉर लीव एप्लीकेशन. तो ये क्या हो गया हमारा, रिटन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें लेटर वो लिख रहा है. सो इट्स अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. सो विच ऑप्शन इज लेफ्ट. सो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो होगा वर्बल कम्युनिकेशन. डन एवरीबॉडी. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज़ द 24 आवर्स इंग्लिश बिजनेस न्यूज़ चैनल इन इंडिया. इंग्लिश बिजनेस न्यूज़ चैनल कौन सा है जो 24 घंटे चलता है 24/7. तो जी न्यूज़, NDTV 24/7, CNBC या इंडिया न्यूज़. तो ये है हमारा इसका CNBC. ये सारे क्वेश्चंस पहले आते थे, बट अब ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. सो आप लोग बस क्रैम कर लेना, ठीक है, इस पे ज़्यादा अटेंशन में देना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते हैं. अब सीधे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, रादर देन फैक्चुअल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज यू डिजर्व टू नो इज द पंच लाइन यूज बाय. ये एक पंच लाइन है, ये किसके द्वारा यूज़ किया गया था, कौन से न्यूज़पेपर के द्वारा ये पंच लाइन यूज़ किया गया था. फर्स्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया, सेकेंड है द हिंदू, थर्ड हिंदुस्तान टाइम्स, फोर्थ इंडियन एक्सप्रेस. सो आंसर इज हिंदुस्तान टाइम्स. ओके, इसमें ये पंच लाइन हमारी यूज़ की जाती है, बिकॉज यू डिजर्व टू नो. नेक्स्ट, ओके, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारे जून 2007 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 इटसेल्फ. फर्स्ट है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट. प्रेस काउंसिल इंडिया कहाँ पे हमारा लोकेट करता है, ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पे है. ये सारे मीडिया में आते हैं, हमारे प्रेस एंड प्रिंट मीडिया में आता है, ठीक है. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, फिर आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, RNI हो गया, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया. तो ये सारे प्रिंट मीडिया के टाइप्स हैं, तो उसमें से एक है हमारा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कहाँ लोकेट करता है. सो आंसर इज दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टिंग द फोटो फॉर पब्लिकेशन बाय कटिंग इज टेक्निकली नोन एज. फोटो को एडजस्ट
एडजस्ट करना, उसको काट के या छाट के, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये बहुत सिंपल सा है। फोटो कटिंग कहते हैं, फोटो ब्लीडिंग कहते हैं, ऑप्शन सी फोटो क्रॉपिंग, और योर ऑप्शन डी फोटो एडजस्टमेंट। सो इसको हम कहते हैं फोटो क्रॉपिंग। ये सबने किया होगा, लाइक आप जब नेट के फॉर्म्स फिल करते हो या कि बैंक के फॉर्म्स, रेलवे के फॉर्म्स, तो उसमें आपको साइज दिया जाता है फोटो का कि आपको 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए या 20 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। तो उसको फिर आप क्रॉप करते हो, ठीक है, उसको आप एडजस्ट करते हो उस साइज के अकॉर्डिंग। सो उस साइज के अकॉर्डिंग हम उसको कट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। सो व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट फोटो क्रॉपिंग। ठीक है, फोटो कटिंग नॉर्मली आप फोटो कट कर रहे हो, दैट इज योर फोटो कटिंग। फोटो ब्लीडिंग क्या होता है? आई हैव रिटन ओवर हियर, फोटो ब्लीडिंग मीन्स एडजस्टिंग द कलर ऑफ फोटो। फोटो के कलर को एडजस्ट करना फोटो ब्लीडिंग कहलाता है। ओके, सो आप ब्लीडिंग से याद रख सकते हो, ब्लीडिंग क्या, ब्लड, एक तरह से ब्लड एक कलर डिनोट कर रहा है, रेड कलर। तो उससे आप गेस कर लेना कि जो फोटो के कलर को जो एडजस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फोटो ब्लीडिंग। होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक ऑफ मैसेज कम्स फ्रॉम, वेरी इजी क्वेश्चन टिल नाउ, फर्स्ट सैटेलाइट, सेकेंड मीडिया, थर्ड ऑडियंस या फोर्थ कम्युनिकेटर। सो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑडियंस। ऑडियंस से ही तो हमें फीडबैक मिलता है कि हमने कम्युनिकेशन अच्छा किया है कि नहीं किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडवांस बिफोर डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इज नोन एज। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पहले ही, ठीक है, पहले ही किसी इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर लेंगे बिफोर डिजाइनिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। उसके स्ट्रैटेजी को डिजाइन करने के पहले हम एडवांस में ही हम क्या कर लेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। तो ये क्या होगा, ओपिनियन पोल, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड या रिसर्च स्टडी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ओपिनियन पोल। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को जो हम बनाते हैं, तो उसके पहले हम एडवांस में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। सो कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एडवांस इज नोन एज ओपिनियन पोल। फीडबैक सबको पता है कि फीडबैक क्या होता है, हमने कम्युनिकेट किया, रिसीवर ने रिसीव किया, फिर उस कम्युनिकेशन को उसने उसी ढंग से समझा, एंड देन ही और शी अल्टीमेटली गिव्स यू फीडबैक। तो वो होता है हमारा फीडबैक, जो हम मैसेज रिटर्न करते हैं तो वो होता है फीडबैक। फीड फॉरवर्ड क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है, फीड फॉरवर्ड रिवील्स समथिंग अबाउट द मैसेज टू कम। फीड फॉरवर्ड एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ फीड फॉरवर्ड इंक्लूड द प्रीफेस और टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ बुक, द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ अ चैप्टर, मूवी प्रीव्यूज, मैगजीन कवर्स एंड इंट्रोडक्शंस इन पब्लिक स्पीचेस। सी फीड फॉरवर्ड आपका क्या होता है ना, जैसे आप बुक्स वगैरह आप खोलो, बुक्स आप देखोगे तो उसमें क्या रहता है ना, पहला पेज जो रहता है प्रीफेस का रहता है, मतलब उस बुक में आगे क्या क्या आपको कंटेंट मिलेगा, क्या क्या मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो प्रीफेस में एक जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता है। ठीक है, वैसे मैगजीन के कवर पेज में टॉपिक्स कुछ कुछ लिखे रहेंगे, तो इससे क्या होगा ना, आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि हाँ इस बुक के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। अब बुक फेयर लगता है तो हर एक बुक तो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, उसको प्रीफेस देख लेते हैं, प्रीफेस में क्या लिखा है, तो उससे मेरे को एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस बुक में ये सारी चीज़ें हैं। सो वो होता है हमारा फीड फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ टीवी स्क्रीन इज 4:3, 4:2, 3:5 और 2:3। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 4:3। टीवी का जो रेशियो होता है डिस्प्ले का, उसका रहता हमारा 4:3 स्क्रीन का। नौ दिसंबर 2007 के स्टार्ट हो गए यहाँ से। ठीक है, DTH सर्विस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। DTH क्या होता है हमारा, डायरेक्ट टू होम। ये सर्विस कब शुरू की गई थी,
इज इट ईयर 2000, 2004, 2002 और 2006? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ईयर 2004. 2004 में हमारी डीटीएच सर्विस स्टार्ट कर दी गई थी. ओके, नाउ नेक्स्ट. नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर या 21 दिसंबर? सो आंसर होगा इसका 16 नवंबर. ये सारी चीज़ें याद करने की हैं, ठीक है? इसमें कुछ समझने का ऐसा है नहीं, यू जस्ट हैव टू डू क्रैमिंग ओवर हियर. नाउ नेक्स्ट. द राइट टू इम्पार्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, 19 सबसेक्शन 16, 19 सबसेक्शन 2, 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. ओके, नाउ नेक्स्ट. June 2008. Communication with oneself is known as. अगर एक इंसान खुद से कम्युनिकेट कर रहा है, खुद से कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इज इट ग्रुपवाइज कम्युनिकेशन? सी, ग्रुप कम्युनिकेशन तो नहीं होगा क्योंकि oneself कह रहा है, तो ग्रुप की तो कोई बात नहीं होगी इसमें. इंट्रापर्सनल क्या होता है ना, जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं, व्हेन वी डू कम्युनिकेशन विद इट, जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. और अगर दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में तो वो क्या हो जाता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इंटर एंड इंट्रा. इंट्रा मीन्स विद इट, खुद से कर रहे हैं, एंड इंटर मीन्स जब दो लोग करते हैं तब. ओके, सो क्लियर हो गया. इसका आंसर होगा हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. एंड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं. ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे वैसे जो हम फैमिली से करते हैं और रिलेटिव से करते हैं, दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कम्स अंडर योर इनफॉर्मल और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको. ओके, लेट्स मूव फर्दर. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, विच ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम फॉर टीवी इज फॉलोड इन इंडिया? कौन सा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इंडिया में फॉलो किया गया है टीवी में, टीवी पे? ओके, सॉरी, टीवी के लिए कौन सा ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम इंडिया में फॉलो किया गया है? NTSC, CCAM, पल या NTCS? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पल, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा फेज ऑल्टरनेटिंग लाइट. कभी कभी फुल फॉर्म्स भी पूछ लेता है. ओके, सो मैंने यहाँ लिखा है CCAM के बारे में. ऑल्सो रिटन, CCAM इज एन एनालॉग कलर टेलीविजन सिस्टम फर्स्ट यूज इन फ्रांस. फ्रांस में यूज किया गया था एनालॉग कलर टेलीविजन. एनालॉग में क्या होता है, जिसमें वेव्स के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग के लिए मेनली क्या यूज किया जाता है हमारा फेज, दैट इज सॉरी पल, दैट इज फेज ऑल्टरनेटिंग लाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रायर टू ईयर 1936 ऑल इंडिया रेडियो वॉज नोन एज. प्रायर मतलब क्या होता है? पहले. प्रायर टू ईयर 1936 के पहले ऑल इंडिया रेडियो को किस नाम से जाना जाता था? इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन बी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया, सी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस और इज इट डी ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. नेक्स्ट, द बिगेस्ट न्यूज एजेंसी ऑफ इंडिया इज PTI, दैट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UNI, दैट इज यूनाइटेड, इज इट यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, समाचार भारती या नन ऑफ द अबव? सो
आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, प्रसार भारती वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर. प्रसार भारती किस साल लॉन्च हुआ? 1997, 1995, 1993 और 2001. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1997. आज के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा स्टैटिक हैं, आपको क्रैम वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में स्टैटिक क्वेश्चन पहले ज़्यादा पूछा जाता है, बट आजकल के क्वेश्चंस हमारे पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी. ओके, सो होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलते, टेक केयर एवरीवन, बाय.